नमस्कार, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ पानीपत और मैं हूं आपके साथ सोनम। सुबह के इस खास अंक में आप सभी का स्वागत है। स्वास्थ्य विभाग ने सिविल अस्पताल परिसर की करीब 22 एकड़ जमीन को कब्जे में लेने की कर ली है तैयारी, दिए जाएंगे नोटिस। सेयेटू पुलिस की टीम ने फोन स्नैचिंग की वारदात को अंजाम देने वाले एक आरोपी को कच्चा कैंप पीपल वाली मंडी से किया गिरफ्तार। सेयेथ्री पुलिस की टीम ने सज्जन चौक पर चोरी की बाइक सहित एक आरोपी को किया काबू। स्मालखा के कृष्णा कॉलोनी निवासी युवक से 13 फरवरी को घर व अस्पताल परिसर में घुसकर मारपीट करने व जान से मारने की धमकी देने के मामले में दो आरोपियों को स्मालखा अड्डे से थाना स्मालखा पुलिस ने किया गिरफ्तार। जिला पुलिस ने पैदल गश्त कर मनाया पुलिस उपस्थिति दिवस। सभी पर्यवेक्षण अधिकारियों, थाना प्रबंधकों व चौकी इंचार्जों ने टीम के साथ सार्वजनिक स्थानों सहित बाजार व कॉलोनियों में की पैदल गश्त। प्रदेश के मुख्य सचिव संजीव कौशल ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सभी जिलों के जिलाधीशों एवं अन्य अधिकारियों के साथ की बैठक। बोर्ड परीक्षाओं को लेकर दिए गए निर्देश, साथ ही धारा 144 के दिए गए हैं आदेश। पानीपत शहरी विधायक प्रमोद विज और डीसी सुशील सारवान ने सभी संबंधित अधिकारियों के साथ जिले भर में सीएम घोषणाओं के तहत चल रहे विकास कार्यों की समीक्षा, साथ ही दिए आवश्यक दिशा निर्देश। पानीपत में एक एएसआई की वजह से खाकी फिर से हुई दागदार। पुलिस लाइन में मौजूद माल गोदाम के इंचार्ज के तौर पर तैनात आरोपी एएसआई ने वहां खड़े एक तेल टैंकर से इंजन, पंखा, पाइप कर ली चोरी। एसपी के संज्ञान में आने के बाद जांच करवाने पर हुआ मामले का खुलासा। सीएम फ्लाइंग और खाद्य आपूर्ति विभाग ने लगातार दूसरे दिन तहसील कैंप के सुरेश कुमार के डिपो पर मारा छापा। गड़बड़ी पाए जाने पर डिपो को किया गया सील। हरी सिंह कॉलोनी में युवक ने फांसी का फंदा लगाकर दी जान। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। ताजा अपडेट के लिए जुड़ रहे वॉइस ऑफ पानीपत के साथ नमस्कार। Add colors to your loving, life will be shining. You'll have a better future and you'll be smiling. Bye, Sanskriti School, a better place, a better world. Bye, Sanskriti School, sapno se behtar kal. Bye, Sanskriti School, add colors to your learning. Bye, Sanskriti School, your life will be shining.